क्या करूं कान जाओ मेरे को समझ नहीं आया। हे भगवान ये तो अच्छा हुआ कि ठाकुर का खंडर यही रह गया। हम मैं इस संसार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई, जान मेरी इज्जत लूट गई, वहां मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं अपने घर जाऊंगी तो मैं अपने पति को कौन सा मुंह दिखाऊंगी। जब मेरे पति पूछेंगे कि बिमला मेरे दोनों बच्चे कहाँ चले गए, उनको कौन सा जवाब दूंगी। इससे तो ये अच्छा कि मैं खंड से अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं संसार में मुंह नहीं दिखाऊंगी। जहाँ मेरे दोनों बच्चे चले गए मेरे जीने का कोई अधिकार नहीं। नंबर एक, नंबर दो, नंबर क्या बताऊं साथियों, सबके बीबी बच्चे वापस आ गए, पर मेरे लाल शेर सिंह पवन और मेरी धर्मपत्नी बिमला वापस नहीं आई। अब मुझे चल करके देखना चाहिए मेरे लाल किधर है। ए भगवान अपनी आंखों से मैं क्या देख रहा हूं बिमला, ये मैं क्या देख रहा हूं बिमला। ये तो बिमला, ये ठाकुर प्रताप सिंह ने तो अपने सारे वादे को पूरा कर लिया है बिमला। प्यारी बिमला ये तुझे क्या हुआ, प्यारी बिमला अरे प्यारी बिमला ये तुझे क्या हुआ, खून से जो अब है ना सारी यहाँ की अर जमी हो गई, हर फिर बताए हुए बोलो बोलो अर मुझसे बोलो किया तुम्हारी दशा, कौन पापी ने किया और तुम्हारी दशा, अरे नाम बदला वो कौन सा। हे भगवान, हे भगवान मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ संसार में कहाँ जाऊँ। हे चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा।
अरे यहाँ जल्दी तिर बता। अरे बात सुन हमारी। हाँ बता। देख बउआ चल चला जा जंगल के यहाँ, देखो आज खाना पीना बनाओ का लकड़ी पकड़ी ना कुछ, और जल्दी चल हुआ चल लकड़ी तोड़ कर ले चला, फिर जल्दी खाना बना बहुत जो भूखा से है ना। चल चल आ जल्दी चल चल जल्दी चल, देर बहुत हो रही। अरे मरी बजावा करे लहास परी है। अरे लहास परी। हाँ। परी ओ बड़का तो लड़का सो रहा, जगा दी है जगा दी है, जगा जल्दी इसको भैया। तो कौन से हर प्याज है जहर, हर प्याज इसने। चलो देखता हूँ चल के आइए देखने भैया तेरी जल्दी 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 लगा तबा डाक डर हो गया है। ए छुटक्का, अरे इसको काला सांप ने काटा है, काला सांप। अरे तो कह रहा हम जी आ लेती है मारे छोटा सांप क्या। अरे तू चिंता काहे करती, देख पहले बात सुन ले हमारी, अपने भी आंखों में का बच्चा नहीं। हां ठीक कहा, सांप ने काटा इसको जिला लूंगा मैं। हां जी आ ले बच्चा। अरे जाते 7 साल हो गया मुसरिया तक नहीं पैदा कई पा, अही का जिया ले लटिया भर पानी दे है मोद पति का तलयो होती जिया जल्दी चल बजा। अरे अच्छा जाता हूं हमारा बिस्ती रखो भैया आ जा। चलो ठाकुर मेरी माँ की इज्जत लूटता है, मेरे भैया के सीने पर गोली चला दिए और मुझे भी मारना चाहता है। ए भैया तू चिंता ना करो, हमारे डेरा माँ की है तू टेंशन ना ले, चल तू वहीं देखी चला तू कौन। ओ लाल तू कहाँ रहने वाला है, कौन तो नाम है। हम आजाद शहर के रहने वाले, हमारे पिताजी का नाम महाराज सत्यपाल था। खुदाता तेरे कई नाम दाता, दाता तेरे याद कर लो, याद कर लो सौ शहर वालों, तुम्हें नहीं मालूम मैं कौन हूँ, मैं आसाम शहर की नदी का आवाज नाथ हूँ। आज अपने पवन को बुला करके लाश मंगवाऊंगा, वो थरा जाने को नोच नोच करके खा जाऊंगा। अब मुझे चलना चाहिए, हाँ 6 महीना हो गया मुझे भोजन नहीं मिला, आज हरा जन को नोच नोच करके खा लूंगा। क्या क्या ये इसका मांस खाने वाला नहीं है, यह तो गोली से मारा गया है। नहीं माँ कौन सी परीक्षा ले रही माँ, तेरे पास शक्ति है तो शक्ति अब हर नाग के पास भी है। अच्छा जीवन दान दूंगा, जिंदा करूंगा, उसके बाद नोच नोच करके खा लूंगा।
अरे बाबा जी आप कौन है बाबा जी? कहते कौन है बाबा जी? अरे आपसे हाथ से मैं नोच नोच करके बाबा जी मुसीबत कमारा हुआ हूँ। बाबा जी मुसीबत कमारा हुआ हूँ, शरण में तुम्हारे मैं आया हुआ। नहीं बोले जय बाबा, तू कहाँ रहने वाला, क्या तेरा नाम है? बाबा जी मैं आसाम शहर का रहने वाला हूँ। प्रताप सिंह मेरे घर को बर्बाद कर दिया, मेरे सीने पे गोली चला दिया, मेरी माँ को पता नहीं क्या हालत बना दिया होगा राजादे। मैं समझ गया यह तेरे प्रताप सिंह ने तेरे सीने पे गोली चलाया है। नहीं जीवन दान दिया है तो मैंने तुझे सब कुछ दिया है। एक मैं मुर्दा खाता हूँ, ये बियाबाल जंगल ये शमशान घाट है। जा तू चला जा चमल, वहाँ पे बता देना और वहाँ नाथ ने मुझे भेजा है, वहाँ पे बाबू गुदर मिलेगा, तेरी वो मदद और सहायता बाकी करेगा। ठीक है बाबा जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करने के लिए तैयार है बाबा जी। मेरे सामने माँ भवानी की कसम, अपने खून का बलदा और अपनी माँ का इज्जत का बलदा ठाकुर प्रताप सिंह धन चुकाऊंगा। जब तो मुझे विश्वास होगा न वरना विश्वास नहीं होगा। याद कर ले प्रताप सिंह, तूने हमारे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ा है। हराम ज्यादा अगर तुझे एक एक दाने को मोहताज ना कर दिया, तुझे दर दर का भिखारी ना बना दिया तो मेरा नाम शेर सिंह नहीं होगा। याद कर ले हरामजादे, तेरी भी एक लड़की पुष्पा है। अगर हरामजादी को माँ काली के चरणों में भेंट न चढ़ा दिया, अगर उसे एक दाने को मोहताज न कर दिया तो मेरा नाम शेर सिंह नहीं होगा। शाबाश शाबाश मेरे लाल, मुझे विश्वास हो गया है। तो ठाकुर प्रताप सिंह से शुरू बलदा चुकाएगा, वो हरामी ठाकुर प्रताप सिंह की लड़की पुष्पा है। जब अपने कब्जे में कर लेना तो माँ काली के दरबार में हरा की भेंट चढ़ा देना। और देख मेरे लाल वो कौन आ रहा है। बाबा जी तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? बाबा जी हरामजादे प्रताप सिंह, तूने मेरी खुशियों को लूटा है। अगर मैं तेरी जिंदगी ना लूट लिया तो मेरा नाम शेर सिंह नहीं होगा। लेकिन माँ तुम मुझे धोखा नहीं देना, तेरे बल पर हर काम करूंगा मां। हमें सहारा तेरा मैया, हमें सहारा तेरा। मारा गया साला ठाकुर प्रताप सिंह, अपने को बहुत बड़ा अमरेश पुरी समझता है। याद कर अगर तुझे मैं दर दर का भिखारी न बना दिया तो मेरा भी नाम शेरा नहीं होगा। है? कौन? ओ, दादा ठाकुर। जय श्री राम। तुम जाओ मेरी अकेली लड़की पुष्पा को बुला के लाओ, समझ गए? ओ पुष्पा अभी ला रहा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, अब मुझे चलना चाहिए। तुम मगर मेरे बेलन न मारा करो, इस तरह घर में झाड़ू लगाता रहूं। हो अगर मेरे बेलन न मारा करो, इस तरह घर में झाड़ू लगाता। पुष्पा बुआ हो, मैंने
कहा नमस्ते 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 हिसाब से बोला करो भी। ये क्या हुआ? हुआ जब तुमका देखे ए इधर आओ। हाँ यू काया है क्या बाप बंदूक टांगे घूम रहा है बिटिया बम बांध। इतना समझो कि होश की बात क्या करो। ये बोलिए कि हमें किस लिए बुलाया? किस लिए बुआ? आज अपने पिताजी से आज्ञा ले लो चलते बगीचे को। तुमका हुआ तो चकोतरा खवा लाई चले। इसके पहले आज्ञा लीजिए ठीक है और उसके बाद बगीचे घूमने चलना है। तुमका हुआ केला खवा चल। अरे पागल केले की बात बाद में। तुझे खबर है जितना मैं तुझे चाहती हूँ। हम जानी थन अही मारे तो नान्हे तेरे लेट चले आ रहे। अरे कटिया लेट चले आ रहे। ठीक है चलिए चले। क्या बात है, कितनी समझाती रहती हूँ कि ये पिताजी शराब पीना छोड़ दे लेकिन पता नहीं इनकी समझ भी नहीं आता है। पिताजी मैं आपके पास एक दिली तमन्ना लेके आई हूँ, अगर पूर्ति कर दे तो क्या बात होगी आपकी? वो भी कौन सी बात है मेरी लाडली? इसके पहले इसको समझाइए नौकर को। इसको नौकर को पहले समझाइए, इसके पहले आपके कुर्सी के ऊपर बैठा है। शरद ठाकुर के खोपड़ी में बैठना चाहता है। देख रहे थे सरकार कैसा लगता है बैठा। पिताजी बस आपके पास से थोड़ी सी बात अगर पूरी करने बहुत अच्छी बात होगी आपकी। बोलो आखिर कहने का मतलब क्या है बेटा? ठीक है बैठिए। और पिताजी आज्ञा दीजिए, पिताजी आज्ञा दीजिए, बाघों को घूमन जाएगी। वो मेरा जंगल का इलाका है, वहां दुर्गे माँ का मंदिर है, पुष्पा की पूजा करा देना। बुआ पूजा करिया घंटा हम हलेंगे। छोरा ढलने पाए वक्त शाम को 5 बजे दरबार में दाखिल हो जाए। दोनों की पिटाई करूंगा बेटी। लाइव बॉय। ये लाइव बॉय क्या होता है? टाटा का बड़ा भाई लाइव बॉय। बुआ हाथ मत लगाया करो। बुआ ए बुआ चलिए ऐसे नहीं, पहले मुझे गाना सुनाओ। गाना एक आता है ना और तुम ही गवाओगे? गवा लेंगे। हारे रे हरिया दिवस की उसकी उसकी। अच्छा वो? हाँ वो मेरा वाला। अच्छा तु, अच्छा तुम हो कहूँ फंसी हो? नहीं मैं तू अपने डैडी की याद की बात कर। अच्छा दादा ठाकुर याद उसकी हर दिल वो उसकी बात किया करो हमसे बता दिया। याद उसकी अरे दिला गया कोई, याद उसकी दिला गया कोई, और मुझे पागल बना गया कोई। हो याद उसकी दिला गया कोई, और मुझे पागल बना गया।
क्या बताई है कुछ हमका वही का पवन और बोलाई है। अरे हाँ वही का तो हम भूली ही वही का हुआ छोड़ यार अपने भौजी कहाँ रह गए। अरे उसको भी बुला जल्दी वो कहाँ रह गई। ओ भौजी ओ पवनमा बेटा पवन क्या बात है बापू कहाँ तैयार होकर जा रहा है ये कहाँ जा रहे बहुत सजल के। हमने तुमको देखा तो हम भी हम कहा पहले अच्छा अच्छा लाल देखो हम भैया दोनों बुढ़ा गए हैं अब बीन बजाओ सीख ही ले। भैया पवन ऐसा है कि अब ये हमारे काम नहीं होता है अब मैं तुमको बैन सिखाऊंगा अब तुम ही कमा के हमको खिलाओगे। जरूर खिलाऊंगा चलो चालू हो जाओ बस। जी कैसी लगी। अरे भैया अरे तू तो बहुत अच्छी बैंड बजा रहे थी अब तू जल्दी जा मैं भी जा रहा हूँ घर के लिए और तू भी देख कहीं भी जाना अपनी रास्ता आना अपनी रास्ता जाना किसी से कुछ नहीं कहना। ठीक है पिताजी घबरा नहीं मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। ओ लाल कहो बिटिया बहनी काम बताओ कर दिन है। ठीक है पिताजी नहीं बुआ तुम चलो भाई हम लेवा ले बात सुनो पहले तुम बगीचे के बाहर जो गेट है वहाँ चलो मैं इससे ये पूछ लूँ कहाँ का रहने वाला है कहाँ का नहीं तो बातें करके उसके बाद महलों को वापस आना। हम पूछे ले रहे हैं ना तू हाँ मैं पूछूंगी चल मैं जितना कह रहा हूँ कि चलो उधर तुम चली जाओ वही हम ले रहे हैं आ रहे हैं रहे ले दे। ठीक बात जल्दी से लाना हाँ जल्दी ले दे। यार ऐसी बता रहे कहाँ रहा तेरे आसाम से आसाम से है यहाँ कहाँ ले आया है सांप पकड़ रहे मारो हम का खवा रहे हो चदा ना गुलाब से खुशबू टट्टी भरना है देखो ऐसा टीका बंधन लगा जान पर चदो पंडित आ लोगों ने कहावत कही है लंबा तिलक मथुरिया बानी चुआर छिनार की यह निशानी बउआ बउआ लाला पूतू हमने तेरा क्या बुरा काम किया है। अबे रुक तुमका हमारी बुआ बुलावा है हाँ बुआ बुलावा है तो फिर चलना है कहाँ चौदह आ जाओ ऐका पकड़े मिला है वो कहाँ गया जो कहा है ये आंखी मारे तुमका चुदो मार डरा। अरे मेरी बात तो सुन ठीक मेरी बात मानता है हाँ? अब तुम यहाँ से जाओ हाँ? अब यहाँ से जाइए बुआ चला और तुम सारे लोग कह दो कि यहाँ से जाइए तुम्हें सुबह एक एक रसगुल्ला का नाश्ता मैं कराऊंगी। अच्छा रसगुल्ला खाई हो। अरे हम कह रहे ए को न कही हमारा कहा मन है ये लोग सब लोग हाँ? अरे सारे लोग कह रहे हैं ठीक है चलिए मैं बहुत जल्दी से आऊंगी जाइए हाँ जाइए चला जाए बुआ नहीं समझ में आ रहा जा रहा धीरे धीरे जाए। अरे चाहिए भोंदू
ए नौजवान, ये बोलिए कहाँ के रहने वाले, तुम्हारा नाम क्या है? ये चनाने बाग में मर्दाना ना मना है, यहाँ क्यों आए हो तुम? मैं रहने वाला तो आसाम शहर का हूँ और नाम है मेरा पवन। मैं यहाँ सांप पकड़ने के लिए आया हूँ। सांप छोटा हुआ पकड़ा गया भैया। इसकी बात में नहीं आना, ये मेरे डैडी का नौकर है। आपका नाम पवन? पता नहीं का सोच के मारी नहीं है। अरे ठीक है छोड़िए, लेकिन इसके पहले ये बताइए कि कहाँ के रहने वाले हो तुम? आसाम शहर। आसाम शहर। बचने का सिर्फ इतना ही रास्ता है कि अगर मेरा प्यार तुम्हें मंजूर है तब तो बच सकते हो, अगर नहीं प्यार मंजूर है तो ताउम्र तुम्हें जेल की ही हवा खानी होगी। बोलिए पवन मंजूर है या नहीं मंजूर, बोलिए ना। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारे प्यार को मंजूर करूंगा, पर कभी भूल नहीं जाना। कैसी बातें करते हो, मैं कसम खा के वादा करती हूँ कि आपका प्यार जीवन में कभी भूल नहीं सकती हूँ। तो फिर पुष्पा को चग लाख तूफान आए, चग जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके न होंगे जुदा जुदा, आकसम खा अबे इनको अलग करो। क्यों? अलग अलग ना है सरकार, हमका यो लग रहा तुम अब नाना बनने वाले हो। क्या बोला? अबे क्या बोला? अलग करो। ए काहे मार रहे हो? क्यों बुआ को न मारना, अहिका मारो सारे कलो। यार कलो, पापा तूने क्या सोचा कि तेरा बाप खुश होगा? क्यों, तुझे बहुत बड़ी शाबाशी देगा। मेरे प्यारे पिता, मेरे प्यारे पिता, मेरी फांसी करो मुझको मंजूर है मेरे पे। ले जाओ बांध का दो कमरे में, पुष्पा के ले जाओ। अबे कहाँ रहता है रे छोकरे, बोल बस साले हराम जादे, कहाँ रहता है रे तू? बुआ का यहाँ छुटिया डारा चढ़ाओ को है, बोल बगीचे में कैसे आ रहे? बोल ठाकुर साहब, मैं रहने वाला तो आसान शहर का हूँ, नाम है पवन। पवन तेरे बाप का नाम क्या है? हाँ बोल। हमारे पिताजी को कमल और बिमल सपेरा कहते हैं। आ दादा तुम्हारे बिटिया का सकोड़ा भकोड़ा रख रहे हैं, अरे चौदह चुल्लू भरे पानी में डूबी मर जाओ। अपने हमारा गांव छोड़कर साले निकल जाओ। मैं कहता हूँ साला सामने आया तो गोली के घास उड़ा दूंगा। ठाकुर साहब मैं जाऊंगा जरूर, पर अकेला नहीं, तेरी बेटी को साथ में लेकर। तू समझ ले, तू समझ ले ठाकुर, हार गया क्योंकि तेरी बेटी ने मुझसे मोहब्बत की है। मोहब्बत इस मोहब्बत में अगर मैंने आग नहीं लगा लिया तो मेरा नाम आकाश नहीं होगा।
ठाकुर, अरे मर जाएंगे तू जैसे प्यार को बिठाने वाले, और प्यार के तराने गूंजते रहेंगे ठाकुर, गूंजते रहेंगे। हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले, यार जलने वालों को जला प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। हम प्यार करने वाले बात का 10 साल को जेल में ले जाओ, और हाँ इधर आ, मेरी लौंडिया अगर पूछती है कि तेरा बाप कौन सा कारनामे कर रहा है, कुछ नहीं बताएगा। सरकार कुछ नहीं है, हम तो तुम्हारे आदमी है ना, जब देखो साला बड़बड़ बड़बड़ लगा ही रहता है। बुआ आएंगी, बुआ को जरूर बताएंगे ताकि उसकी बेचारे की जान पर। भैया मेरे पांव से मिला दे, बहुत मेहरबानी होगी तेरी। लेकिन दादा ठाकुर का हुक्म कोई मिल नहीं सकता। आपको खबर है कि मैं जा आपको जितना चाहती हूँ, 2 मिनट के लिए मेरे पांव से मिला दे, बहुत ही मेहरबानी होगी। ठीक है बुआ, अगर कहती हो तो 5 मिनट का समय देता हूँ, 6 नंबर कमरे मिल लो, उसके बाद गेट का ताला लग जाएगा। पवन नहीं पवन, मैंने जो भी किया वो आपके साथ में बहुत ही गलत किया। पुष्पा, पुष्पा, पवन, अगर मेरी जान को बचाना चाहती हो, अगर मेरी जान को बचाना चाहती हो, तुम्हारी जान कैसे बच सकती है? तो जल्द से नदी के उस पार जो डेरे लगे हैं उन डेरों तक पहुंच जाओ, वहां मेरे पिताजी मिलेंगे, चाचाजी मिलेंगे, उन्हें बताओ कि वो बचाने जरूर आएंगे। बहुत ही जल्दी से आपकी जान, कुछ भी करना पड़े जरूर बचाऊंगी। लेकिन पवन पुष्पा, और चाहा है तुमको चाहूंगी हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, जल्दी से मिलन होगा पल पल ये कहते हैं, क्या ये जिंदगानी है। प्यार की अक्षाद मैंने छीने की कसम खाई, उसी प्यार में मेरे डैडी को मालूम हो गया तो 10 बजे फांसी का हुक्म रख दिया। और पवन ने कहा बचा सकते तो मेरे बापू, मेरे चाचा और वो मेरी माँ बचा सकती, और मुझे कोई नहीं बचा सकता, मुझे तुम बचा लो ना। यानी मेरा पवन है कहाँ? कहाँ है कहाँ? तो मेरे बापू जी ने कैद कर रखा है। फिर ऐसा कर दिया तो जल्दी से चल। अरे कौन बात नहीं, क्या कौन रायते है का? अरे फिर भी अपना बेटा कैद में है। हाँ बहुरिया हम ये तो बात सही है। अरे यह कहाँ घूम रही, जल्दी चल, वो पवन वहाँ फंस गया हो। अरे पता ही नहीं जहाँ कैसे तुम लोग, और ये तुम्हारे साथ में लड़की कौन सी? बंद बंगाली हो तो सारे लिए घूमते हो छोकरी, ये कौन है छोकरिया बता जरा हमें भी। भौजी है, भौजी ये तेरी भौजी है, और बोल ये हरामजादे कौन है? यही का दुनिया जानत, सब लोग जानत, दुनिया जानत, यही का संसार जानत, ये ठाकुर प्रताप सिंह। क्या कहा ठाकुर प्रताप सिंह? इसे छोड़ के चले जाओ नहीं जिंदा फौंक दूंगा। आराम चाहिए सरदार जी, जा रहे हैं बता दे ठाकुर प्रताप सिंह पे। तो चला मेरे चंगुल में,
अपने गुनाहों का बदला तो से हराम जादी ये शेर सिंह लेगा। तेरे बाप का गुनाह लड़की से ये अदा करेगा। चल मेरे साथ। सरदार जी, आपके सामने जो भी किया वो मेरे डैडी ने किया है, मेरा कोई भी कसूर नहीं जो आप मेरी रास्ता को रोक रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ही सताई हुई हूं सरदार जी। पर नहीं इस कदर, नहीं इस कदर जुल्म मुझ पे उठाओ। हराम जादी, अगर मुझसे तू ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश की, मैं भी हाथ पर तेरे पिता के गिड़गिड़ा रहा था। जरा सा भी तरस नहीं आया तेरे बाप को। आज तुझे ले जाकर के चम्बल और मां काली के कर चरणों में फेंकना चढ़ा दिया, तो मेरा नाम शेष नहीं होगा। चल मेरे साथ। मुझे बैठा अबे ओ सेरा, अथर्वान जादव को निकाल के ला साले को। ले आया सरकार। नंबर लो लो, इसे हमें गोली मार दो। नंबर एक, नंबर दो। कहाँ है तुम लोग? एक नंबर लाग ही रहे साले, इस पे देख रहा है? मगर सरकार इस पे क्यों नंबर लग रहे हैं? क्या इसने गलती की है? कॉलर का बिगाड़ा है। अच्छा, के घर में फांदा हुई। या तो बात सही है, यू सर खराब है तुम्हारा लमजा। इसने क्या किया बताओगे? कुछ खराबी है काहे के नंबर मारे ठासे धरे दिए। कचर कचर ला दिए। ए नंबरदार, हमारी लड़की ने छोड़ी है? पहले अपनी लड़की पुष्पा पता लगावा हो। मेरी लड़की मंदिर में है, ज्यादा क्या हुजूर? पता लगा ले क्या बताया है डाकू और धरा है इसी का बीचों बीच। और कहा था सवेरे 6 बजे की फांसी हुई जाए फांसी। चला रे बताओ बताओ कहाँ मेरी नौंदिया है? चला ऐसे नहीं, ऐसे नहीं आप जाओगे। पहले भेष अपना अपना बदल लो। चलिए चलिए। ओ सरदार जी, छोड़ तो मार ली गई कब के तो कौन होता छुड़ाने वाला? हराम जादे कुत्ते, मैं भी कहता था मुझे छोड़ दो, यहां से चले जाओ नहीं ये गोली चल जाएगी। हम लोग बंगाली हैं, बंगाली बड़ा, इसको क्यों मार रहे तुम? बड़ा मैंने शपथ खाई है
कि इससे बदला इसके बाप का लूंगा। मैं भी कहता था कि मैं मेरा भाई दोनों हाथ जोड़ के कि मुझे छोड़ दो, किसी हराम जादे ने तरस नहीं खाया। आज पूछते हो इसे छोड़ दो, कैसे छोड़ दो? बहुत जल्दी निकलो, नहीं वो मौत मारूंगा जो लोग देखने को तरसेंगे। बोलो, लगाओ नंबर। ये ऐसा कौन गुंडा पैदा हो गया जो बाप के सामने लंगड़ा मार दिया? लगता है जय है रामजादा। हाँ होशियार हो जा, मैं तेरी हराम जादे शकल नहीं देखना चाहता हूं। नंबर एक, नंबर दो, नंबर नहीं, यही तो रोना है डैडी। अगर आज के दिन तुमने ऐसा ना किया होता तो मुझे अपनी निगाहों के सामने नहीं सोचना था। देखिए सरदार जी, हरी बहुत दुख उठाए इस जिंदगी में, चीते के खाए इस जिंदगी। सरदार जी, हम आपसे एक भीख मांगे थे सरदार जी, का माफ कर दे। अगर माफी का नाम लिया तो साले तुझे जिंदा जला दूंगा। यहां से बहुत जल्दी निकल लो, नई गोली इंतजार ही कर रही इसका। ठीक है सरदार जी, अपना फर्ज अदा करना, अब मैं अपना फर्ज अदा कर दूंगा, जा रहा हूं। बस नंबर एक दुकान रे, अपना नाम और पता बहुत जल्दी बता दे, न मारूंगा तो इस लोक वो श्लोक में भी ठिकाना नहीं लगेगा। सरदार जी, हम दोनों को माफ कर दो। सरदार जी, और हुस्न हाजिर है ये मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से, अरे हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, कोई पत्थर से ना मारे मेरे।
राय सुनना चाहता हूँ। हराम जादी ज्यादा शरीर के अंदर शेर का क्रोध नहीं बढ़ाया जाता। खड़े हो जाओ। नंबर एक, नंबर दो, नंबर ये जानबूझ करके सपेरे ने गोली तुम्हें बोल सपेरे तू जानबूझ कर अपने सीने पे गोली क्यों ले ली सपेरे? नहीं सरदार जी, मैंने गोली जानबूझ के लिए सरदार जी। ये क्यों जानबूझ करके लिए? ये हमें भी बताओ कि तुमने गोली क्यों अपने सीने पे ली? सरदार जी, मैंने गोली अपने पवन के लिए लिया। अगर मैं अपने सिर पर गोली न लेता तो मेरे पवन की जान न बचती। क्या कहा पवन? पवन का नाम लेते ये शरीर का दिल धड़क उठता है। कौन पवन? कैसा पवन? एक मेरा बेटा है जिसे मैंने जंगल में पाया था, वही मेरा पवन है। अगर तू जंगल में पाया इसका नाम पवन, तो याद कर पवन का नाम लेते मेरा जिगर फड़क रहा है। अगर मेरा भाई पवन होगा तो इसके हाथ में चक्र का निशान होगा। अगर चक्र का निशान ना निकला तो वैसी जगह मारूंगा जहां बूंद भर पानी नहीं मिलेगा। मेरे लाल पवन दिखा दो सरदार जी को हाथ अपना दहिना दिखा दो। हाँ बापू। भैया 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 जय भैया, तू मुझे छोड़ के कहाँ चला गया था भैया? बापू आपको कुछ नहीं होगा बापू। इसे आन मरते नियम मरते दम पूरी कर। ऐसी कौन सी है बंगाली, तूने मेरे भाई की जान बचाने के बदले अपने सीने पे गोली ले ली बंगाली? ऐसी कौन सी शर्त है? अपने जीते जी मुझे बता दो। सरदार जी, मैं एक दिन जंगल में कीड़ा निकालने गया था और मेरी बंगाली सीधी ठाकुर प्रताप सिंह चर लूट रहा था। महाराज सतपाल सिंह के सामने मैंने कसम खाया था कि एक दिन पवन की शादी जरूर कराऊंगा। सरदार जी अपने हाथ से बंगाली, अपने हाथों से तो पवन और पुष्पा का हाथ दे दो बंगाली। और पवन बापू, नहीं बापू, नहीं पुष्पा, अरे छोड़ चले इसी महफिल को, याद आए तो मत रो। लेकिन पवन खड़े हो जा, हराम जादी मैंने भी कसम खाई है कि तेरी भेंट मां काली के चरणों में चढ़ाऊंगा। पवन तुझे इस पर क्या विश्वास है? पवन जो मेरे सीने पर गोली चला सकता है, मां की इज्जत लूट सकता है, तो इस हराम जादी उसकी लड़की पे तूने क्या विश्वास रखा है? पवन भैया, बिना विश्वास के संसार ही अधूरा है। भैया अगर विश्वास नहीं करता तो साथ मेरी जान भी जा सकती थी, और मुझे इतना विश्वास है कि ये मुझे सच्चा प्यार करती है। पवन अगर ये सच्चा तुझसे प्यार करती है तो बात खाए कसम, जीते जी अपने पिता के सीने पे गोली मैं चलाऊंगा। ठीक है सरदार जी, अगर मैंने प्यार की अक्षात मैंने देने की कसम खाई है तो ये भी कसम खा सकती हूँ। और हाँ, कसम खा के कहती हूँ पवन के प्यार की, कि मैं खुद चलकर अपने पिता के सीने पर गोली चलाऊंगी।
पकड़ पुष्पा राइफल और धराम जादे कांच, हवेली पर ही उसकी मौत कर देते हैं। चलो पुष्पा। हरी दर्द मोहब्बती या दर्द जुदाई, हर इस पे सितम तन्हाई है। पवन पवन पवन, ओ जाने वाले लौट के आ जा, जाने लगो परियाई है। आज कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। नंबर एक, नंबर दो, नंबर और बता दीजिए इस बिचारी पे इतना कैसे दबूता रे, और पात पे तोड़ में इसके मौत में खलल डालने वाले। बहुत जल्द बता दो, सोते शेर को उसके बाप ने जगाया है, अगर धज्जा ना उड़ा दिया तो मेरा नाम शेर सिंह। क्या कहा सरदार जी, ये मौत लेकर के तू बुड्ढा यहां कैसे आ गया? मैं सरदार जी तुमसे पूछता हूं, ये नंबर तुम्हारे किस पे लग रहे हैं? हमारे नंबर हराम जादी उसे प्रताप सिंह की लड़की पापा पे नंबर लगा। नहीं नहीं सरदार जी, क्या बता सकते हो, एक आप चंबल के डाकू, एक मासूम बच्ची, तुम्हें सर में लगती है मासूम बच्ची पे हाथ उठाते हुए? आज तो दुनिया शर्म देखती, मैं भी हाथ पैर जोड़ रहा था, मैं भी गिड़गिड़ा रहा था, इसके पिता ने रहम नहीं खाया था। आज जब मेरी बारी आई है तो तू भी बुढ़ा रो रो के यहां तरसाने आया। अरे चला जा, मैं वो जगह पहुंचा दूंगा जहां जाते हुए बहुत समय लगता है। सरदार जी मेरी कहानी को सुनोगे तुम्हारे पर जमीन खसक जाएगी। ऐसी कौन सी कहानी है जो बूढ़ा तुम मुझे सुनाने आया? सुना अपनी कहानी। सरदार जी कहानी सुनोगे जरूर मैं सुनाऊंगा, क्या भगवान की कृपा से तो मेरे मासूम बच्चे थे, बड़े मेरे मुन्ना का नाम था राजकुमार। एक उससे छोटा मेरा मुन्ना था जिसका नाम था राजकुमार पवन सिंह, एक मेरी तरफ पत्नी थी जिसका नाम था बिमला, और मैं आसा सर का रहने वाला ठाकुर सतपा। क्या कहा ठाकुर सतपाल सिंह, लेकिन आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप कैसे अपने बच्चों की पहचान कर सकते हैं? सरदार जी कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चों को नहीं पहचानेगा? नहीं पहचानेगा।
जरूर पहचान जाऊंगा मेरे लाल सैन सिंह पवन के दाना हाथों में चक्र का निशान होगा वही मेरे लाल सैन सिंह और पवन होगा। बापू बापू नहीं मेरे लाल नहीं मेरे लाल देख तेरी आंखों के सामने कौन मेरी तलवार मार के गया नहीं मुन्ना तुमने मेरे स्कूल का पलटा नहीं लिया मुन्ना याद कर ले मेरे लाल तेरी मां का जोर पिताजी याद कर ले पिताजी तेरी मां की कसम खा के शेर सिंह कहता है अगर उस हरामजादे प्रताप सिंह को इस दुनिया से न मिटा दिया तो मेरा नाम शेर सिंह नहीं होगा। भैया पिताजी की लाश को ठिकाने करो और बहुत जल्द चलते उस हरामजादे के अड्डे पर आज उसको हरामजादे को वही समाप्त कर देते हैं। बड़ा गजब हो गया यार। चल यहाँ से भाग ले। कहाँ? चलते हैं यार बॉम्बे। हाँ, आई एम गोइंग टू बॉम्बे। हाँ, क्योंकि रिलीज हो रही ना। सही कह रहा है। सही कह रहा है। चलते पिक्चर बनाने। हाँ, कौन सी बनाओगे? कमीनों की बस्ती। कमीनों की बस्ती। चलो गाते बजाते चलो। और हम तो चले तेरे घर तो साथियों ध्यान दे यानी ये रहा जय बजरंग नाटक मंडल ग्राम महादीखेड़ा थाना कोतवाली शफीपुर डिस्ट्रिक्ट उन्नाव। आज का नाटक आप लोगों के समक्ष पेश किया गया दगाबाज दोस्त धर्म की जीत उर्फ शेर सिंह डाकू। तो आज के इस नाटक में ये जो ठाकुर प्रताप सिंह का रोल अदा कर रहे ये रहे हमारे इस जय बजरंग नाटक कला मंच के मैनेजर महोदय। इनका प्रॉपर नाम होता है मास्टर बीरबल गौतम उर्फ अमरेश्वरी ग्राम बौनामऊ थाना माखी जनपद उन्नाव। और इस जय बजरंग नाटक कला मंच के मालिक महोदय होते हैं हमारे श्रीमान रमेश रावत प्रधान जी ग्राम मादीखेड़ा थाना कोतवाली शफीपुर जनपद उन्नाव। जिस भाई को शादी ब्याह मुंडन व मेले उपलक्ष्य में पार्टी की जरूरत हो संपर्क करें हमारे श्रीमान रमेश रावत प्रधान जी ग्राम मादीखेड़ा थाना कोतवाली शफीपुर डिस्ट्रिक्ट उन्नाव। और इस पार्टी के दूसरे मालिक महोदय होते हैं हमारे श्रीमान रामेश्वर रावत बीडीसी ग्राम मादीखेड़ा थाना कोतवाली शफीपुर जनपद उन्नाव। जिस भाई को पार्टी की आवश्यकता है वो मादीखेड़ा जाकर के हमारे श्रीमान रामेश्वर रावत जी से संपर्क कर सकता है। आइए देखें आगे का शीर्षक। नंबर एक, नंबर दो, नंबर विजय विश्व तिरंगा प्यारा नंदा ऊंचा रहे हमारा
पवन और हम तुम्हें इतना प्यार करेंगी, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग
शीशे का था दिल मेरा है, ओ शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था वो दिल टू। रमेश प्रधान जी ग्राम महादीखेड़ा की तरफ से इसे जय वीर नाटक कला मंच के मालिक महोदय उनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी तरफ से हार्दिक हार्दिक नमस्कार और तुम इनके क्या देना चाहती हो?
हेलो और चलती बिरिया नजर भर के देख ले चलती इनके लिए 50 रुपए का पुरस्कार है और हमारे मास्टर जलील बैठे हैं मार के हमारे कलाकार जलील मास्टर ये 50 रुपए का पुरस्कार इनके लिए है और हमारे सैनी मास्टर
इनके लिए भी 50 रुपए का पुरस्कार। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। तुम्हारा क्या ख्याल है? और जिन बाबू ने दियो रुपया और बारी बारी बन जाऊंगी, और तुम तो राजा चलो कुठरिया मैं पीछे से। तुम तो राजा चलो कुठरिया मैं पीछे से। हेलो, और तुम्हें देखने को, तुम्हें देखने को जिए जा रहे हैं। हाँ सर, ये आ गए हमारे प्रधान जी, श्रीमान रमेश रावत प्रधान जी, ग्राम मादीखड़ा, थाना कोतवाली, सभीपुर, जनपद उन्नाव। हमारे प्रधान जी के द्वारा 551 रुपए का पुरस्कार। पार्टी हार्दिक शुक्रिया, धन्यवाद। और हमारे प्रधान जी का कहना है, कोई ढोले में छाप लगाओ। अरे परिचय बरनी कोई बार सजना की, यानी को नहीं लागे। स्पीकर का कार्य उचित मूल्य पर किया जाता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार की मशीनें व साउंड की मढ़ाई सब होती है, और न्यू मिश्रा मेडिकल स्टोर के ठीक सामने गली में सभीपुर। हाँ, उनकी ओर से यानी 501 रुपए पुरस्कार। भाई साहब को शुक्रिया। मैं भी इनके लिए और क्या दोस्तों के लिए तहे दिल से शुक्र देकर। और ये क्या लड़ी हो बीच बाजार, दिल मोर लुट गए पहली बार। अच्छा लड़ी हो बीच बाजार, दिल मोर लुट गए पहली बार। छोटे छोटे हो गया दिल, छोटे छोटे हो गया, छोटे छोटे हो गया दिल, छोटे छोटे हो गया।
लट गया पहली बार अके लड़ी हो बीच बाजार दिल मर लट गया पहली बार छोटे छोटे हो गया दिल टूट हाउस व साउंड सर्विस ग्राम बदनू बाजार थाना माखी टेम्पल उन्नाव और यानी उसके दूसरे मालिक होते हैं श्रीमान राम सजीवन राजपुर लोधी ग्राम भावखेड़ा थाना माखी टेम्पल उन्नाव उनकी ओर से यानी 101 पुरस्कार भाई साहब को शुक्रिया तनड्डा द तेल हमारी जन कुपिया मा अरे हमारी जान कुपिया में तनक डर दो तेन हमारी जान कुपिया यही कुपिया को चेत बड़ा छोट यही कुपिया को चेत बड़ा छोट भर दे पे लीजिए ये आ गए हमारे साहब यानी म्यूजिक पैलेस कुमार साहब नाका हिंडोला लखनऊ यानी ईगल इलेक्ट्रॉनिक्स नाका हिंडोला लखनऊ संजज जायसवाल सिंधौली यानी 501 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से शुक्रिया के लिए जानती क्या देना चाहती हूँ हो मेरो बारो बलम मोहे लागे शरम हो मोहे मारो ना हाय मोहे मारो ना तिरछी नजरिया बलम चंडीगढ़ से यानी 501 रुपए का पुरस्कार भेजा गया है भाई साहब तरफ से भाई साहब को शुक्रिया ढोले में छाप लगाइए गाना क्या है अरे अरे कोई आपने पर गया सभीपुर की तरफ से ये 501 रुपए का पुरस्कार पार्टी शुक्रिया तुम्हारा क्या ख्याल है हाँ ये आ गए हमारे म्यूजिक पैलेस कुमार साहब नाका हिंडोला लखनऊ की ओर से यानी कि इनकी ओर से 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है पार्टी की तरफ से शुक्रिया और श्रीमान ईगल इलेक्ट्रॉनिक्स नाका हिंडोला लखनऊ इन भैया की ओर से
501 रुपए का पुरस्कार पार्टी से शुक्रिया। और हमारे श्रीमान संजय जायसवाल सिंधौली 101 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से शुक्रिया। कहना क्या है, हर फुरसत के हजारों हरे रातों से, हर फुरसत के हजारों हरे रातों से राती सुहानी मांगी थी, मांगी थी फुरसत के हजारों रातों से राती सुहानी मांगी थी। हाँ हेलो, लीजिए हमारे म्यूजिक पैलेस कुमार साहब को और ईगल इलेक्ट्रॉनिक यानी वालों को और हमारे संजय जायसवाल को, इन तीनों भैया को ढोले में शुक्रिया अदा करें। अरे आई कर पैया कोई खास रड़ुआ तो मर गए रे दैया, आय हरे दैया दैया रे मेरे शांति छुही निवासी 501 रुपए पुरस्कार भाई का शुक्रिया। टिटोहिले राजा माल टनटन। और श्रीमान हमारे भाई साहब यानी जलील मास्टर जो आज हमारे इस लक्काची मास्टर जो हैं संगत कर रहे हैं, जलील मास्टर हाँ लक्काड़ा मास्टर, उनकी ओर से यानी 1001 रुपए पुरस्कार भाई का शुक्रिया। टिटोहिले राजा माल टनटन है। हो टीटो हिले हाँ टीटो हिले राजा माल टनाटन है, टीटो हिले राजा माल टनाटन है, माल टनाटन सामान टनाटन है, माल टनाटन सामान टनाटन है, टीटो हिले राजा माल टनाटन है, मुकेश कुमार एंड सुशील सभीपुर लालमोहर की तरफ से 500 का पुरस्कार पार्टी शुक्रिया धन्यवाद। तुम्हारा क्या ख्याल बलवान ने दियो रुपया खाना भरो तू पन्ना में, हाय आज न मिलबे कल न मिलबे परसों मिलबे कन्ना में, तू 17 बरस का हर में 16 बरस की, तू 17 बरस का लखनऊ की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ।
ईगल इलेक्ट्रॉनिक नाका हिंडोला लखनऊ की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। संजय जसवाल सिधौली 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ। माया भी उनके लिए और उनके आगे पीछे वालों के लिए और उनके तीनों सामान के लिए प्यारी प्यारी शुक्रिया अदा करती। हेलो, और सुबह सवेरे अपने घर को लौट जाते हो, और सुबह सवेरे अपने घर को लौट जाते हो, तुम तो परदेसी हो, तुम तो महाधिकारी निवासी यानी निरंकारी रेडियो यूनिट और माइक स्पीकर उचित मूल्य पे मर जाते हैं, और यानी हमारे यहाँ गारंटी साथ सब काम होता है। अन्नू मिश्रा मेडिकल स्टोर के ठीक सामने गली सफीपुर, यानी 101 रुपये पुरस्कार भाई साहब शुक्रिया। और अगर श्रीमान हमारे भाई साहब श्री शंकर सैनी मास्टर जो आज इस नाट्य मंडल में ढोलक संगत किया है, उनकी ओर से श्री शंकर सैनी मास्टर उर्फ कान्हा, उनकी ओर से यानी 201 पर पुरस्कार बहुत शुक्रिया। दूर नहीं जा सकती हूँ तुझसे, ओ जाए मेरो यार, हाँ जाए मेरो यार, पकड़िया के तरे तरे जाए मेरो यार।